तो इस वक्त की बड़ी खबर जिसको लेकर हम पल पल का अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, दिल्ली में शराब घोटाले को लेकर अब एक्शन में ईडी है। ईडी एक साथ देश भर के अलग अलग शहरों के अंदर 30 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी कर रही है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली, उत्तर भारत के ये राज्य। इसके साथ ही आपको बता दें कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, दक्षिण भारत के राज्यों तक में कई शहर बताए जा रहे हैं जहां इस वक्त ईडी का ये एक्शन चल रहा है। और खास बात यह है कि ईडी का आज का एक्शन जो है वो सीबीआई ने जो एफआईआर दर्ज की थी उसमें दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के जो एसोसिएट्स बताए जा रहे थे और वो भी जो प्राइवेट एसोसिएट्स बताए जा रहे थे, आज उनके ठिकानों पर ईडी की छापेमारी हो रही है। ये शराब घोटाले का मामला जहां पर सबसे पहले जांच सीबीआई की तरफ से की गई, सीबीआई की छापेमारी जो डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर पर भी हुई थी और उसके बाद ये जानकारी सामने निकल कर आई थी कि सीबीआई की तरफ से ये मामला जो है वो ईडी को सौंप दिया गया। अब आज एक्शन में ईडी, आज जो ईडी का एक्शन है उसमें फिलहाल डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर पर अभी तक ईडी की टीम नहीं पहुंची हुई है छापेमारी के लिए। अभी जो ईडी की छापेमारी हो रही है वो मनीष सिसोदिया के साथ जो बाकी प्राइवेट लोगों के नाम थे एफआईआर में सीबीआई की, उनके घर और ठिकानों पर हो रही है ये छापेमारी। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो समीर महिंद्रू के घर की आप देख रहे हैं। समीर महिंद्रू के घर पर दिल्ली में जोरबाग इलाके में भी ईडी की टीम मौजूद है। बताया जा रहा है 6 ईडी के अधिकारी इस वक्त यहीं समीर महिंद्रू के इसी घर में मौजूद हैं। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद है। अंकित, अभी क्या अपडेट मिल रहा है? पर रखा है अंकित से संपर्क करने के हम कोशिश कर रहे हैं। वरुण जैन भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, अपडेट्स हम तक पहुंचा रहे हैं। महत्वपूर्ण हो जाता है ये देखना कि ईडी की ये जांच, क्या इसके बाद अगला कदम जांच एजेंसियों का वही होगा जिसको लेकर आशंका बार बार आम आदमी पार्टी की तरफ से जताई जा रही है कि साहब गिरफ्तारी होगी मनीष सिसोदिया की। तो कुल मिलाकर सबसे बड़ा सवाल यही है इस वक्त कि क्या मनीष सिसोदिया, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी अब तय मानी जाए? क्या किसी भी पल अब दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया जा सकता है? जानकारी ये बता रहे हैं हमारे सहयोगी, ये बता रहे हैं कि दरअसल ईडी की आज की ये जो जांच है, ये जो छापेमारी है वो इसी दिशा में सबूत इकट्ठा करने को लेकर है, क्योंकि ये शराब घोटाला जिसको लेकर सियासत भी जोरदार अंदाज में हो रही है लगातार, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, इस घोटाले को लेकर वो कटघरे में आम आदमी पार्टी सरकार को खड़ा कर रहे। हम बात करने की कोशिश करते हैं अपने सहयोगी से। अंकित, आपको मेरी आवाज मिल रही है? अंकित से फिलहाल हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन इस बीच आपको बता दें 30 से ज्यादा ठिकाने जहां पर ईडी की टीम इस वक्त मौजूद है और उसमें ये जो घर आप देख रहे हैं वो समीर महिंद्रू का घर है। ईडी की छापेमारी इंडो स्पिरिट्स के एमडी समीर महिंद्रू के घर पर चल रही है। आरोप यह है कि समीर महिंद्रू ने ही 1 करोड़ रुपया राधा इंडस्ट्रीज के यूको बैंक के खाते में ट्रांसफर किया। राधा इंडस्ट्रीज के मालिक दिनेश अरोड़ा, उनके ठिकानों पर भी ईडी की छापेमारी चल रही है। तो दिल्ली के जोरबाग में समीर महिंद्रू का ये घर जहां पर इस वक्त ईडी के 6 अधिकारी मौजूद हैं, और समीर महिंद्रू के घर पर छापेमारी इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि ये जो दिल्ली में नई आबकारी नीति बनी थी जिसको लेकर ये पूरा विवाद हुआ, जिसके जरिए घोटाले का पूरा ताना बाना बुना गया, ये आरोप लगे, उस नीति के निर्धारण से लेकर उसको लागू कराने तक की जो अनियमितताएं हैं, जो गड़बड़ियां हैं, उसमें जो 4 लोग मुख्य आरोपी बताए जाते हैं उसमें समीर महिंद्रू मेन है। सीधे लेकर चलते हैं आपको, वरुण जैन इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं और अपडेट्स के साथ। वरुण, क्या जानकारी? देखिए, आपने ठीक बताया, विजय नायर, मनोज राय, अमरदीप धालो, समीर महिंद्रू। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।